नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं शिखा। दर्शकों, इस कार्यक्रम के जरिए आप सभी को सेहत से जुड़ी जानकारी देने के लिए, आपके किसी भी प्रकार के बीमारियों का उपचार और इलाज बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गायत्री सिद्ध पंडित लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, साथ ही उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। गुरु जी, आज के अपने संक में बात करना चाहूंगी ट्यूमर के बारे में। ट्यूमर की जो ये परेशानी है, ये हर किसी के साथ है, हर दूसरे घर में ये बीमारी देखने को मिलती है। तो सबसे पहले जानना चाहूंगी कि ये जो ट्यूमर की बीमारी है, ये है क्या? बेटा, ट्यूमर एक साधारण रोग है ऐसे, परंतु मेडिकल साइंस ने इसको भयंकर बना दिया। जहाँ पे आपके नजला जम गया, किसी भी अंग में, सिर में जमा, गले में जमा, फेफड़े में जमा, वहाँ पे पस पड़ जाती है। जहाँ पे बलगम रुक गया, नजला, वहाँ पे खून का दौरा रुक जाता है, वहाँ जमना शुरू हो जाता है। जब किसी जगह, जैसे पानी किसी बर्तन में रखे उसके ऊपर काई जम जाती है, ऐसे जब नजले के अंदर खून रुक जाता है तो उसमें काला खून बन जाता है, पस नहीं बनती पूरी। पस तो सफ़ेद रंग की होकर निकल जाती है, परंतु काला खून जल्दी निकलता नहीं है, और वहाँ से चमड़ी गल जाती है। जहाँ से चमड़ी गल गई उसको हम ट्यूमर बोलते हैं। ये ट्यूमर सिर में भी होता है, गले में भी होता है, बाजुओं में भी होता है, फेफड़े में भी होता है, पैंक्री, जिगर में, पित्ते में, किडनी में, कहीं भी हो सकता है। परंतु इसका उपचार एलोपैथिक में कहीं भी नहीं है। ऑपरेशन करके इसको निकालते हैं ये, परंतु निकलता नहीं है। और आयुर्वेद में ट्यूमर का बहुत ही साधारण उपचार है। किसी भी किस्म का ट्यूमर है, आप अदरक, प्याज, लहसुन तीनों का रस निकालें और इस रस को शहद में मिला के उसको चटाना शुरू कर दे, जिसको ट्यूमर है। तो रस शहद के अंदर जाके शहद खून बन जाता है। शहद के अंदर जो लहसुन प्याज अदरक का रस गया, इसके अंदर कीटाणुओं को मारने की क्षमता इतनी है, जैसे आप फिंट स्प्रे करते हो मच्छर एकदम मर जाता है, ऐसे ट्यूमर के अंदर के कीटाणु मरते हैं। जहाँ पे आपको किसी किस्म का ट्यूमर पस पड़ेगी, वहाँ कीटाणु बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं। उन कीटाणुओं को मारने की सबसे बड़ी क्रिया है लहसुन प्याज अदरक के रस में। और ऐसे तो शायद भी कीटाणुओं को मारता है। शायद की एक विशेषता है कि जहाँ पे कीटाणु हैं वहाँ पे आप शायद लगा दो, तो जितने कीटाणु हैं वो मिठास की तरफ को भागते हैं ना, और ये मिठास उनको जहर बन के जाती है और वहीं मर जाते हैं। तो जब हम लहसुन प्याज अदरक का रस शहद में मिला के चटाते हैं दो दो चार चार घंटे बाद, तो जो भयंकर दर्द चिल्लाता था ट्यूमर के दर्द का, उसको शांति मिल जाती है। जिसको कंपोज खाने के बाद नींद नहीं आती, उसको नींद आना शुरू हो जाती है। परंतु इसके साथ साथ फिर दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। दवाइयों में जो कैंसर की दवाई बना रखी है वही दवाई इसमें चलती है। पेट साफ सबसे जरूरी करना पड़ता है। जब तक आपका पेट साफ नहीं होगा, आपका कोई भी रोग नहीं कटेगा। और एलोपैथी में पेट की तरफ से कोई ध्यान जाता ही नहीं है। जहाँ पे आपको तकलीफ हो, शाम को सुन करने पे ध्यान जाता है उनका। आज जो भी मशीनें हैं इनकी टेस्ट करने की, उन मशीनों में जो टेस्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर डाला गया, उतना वो उगलेगा, उससे फालतू नहीं बोलता। परंतु स्वस्थ विचार में, मैं एक हकीम हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। हकीम नाड़ी परीक्षण से MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 2 सेकंड में कर लेता है। पैर के तलवे से सिर के बाल तक के कर लेता है। जब हमें नब्ज में पता लग गया कि इस हिस्से में ये रोग है, तो उसी के अनुसार दवाई देते हैं। अब एक औरत के यहाँ पे ट्यूमर था पीछे, ये मध्य प्रदेश से आई थी, और उस ट्यूमर से इतनी बदबू थी कि उसके नज़दीक आदमी कोई नहीं बैठता था।
और वहाँ भी जब वो आई औरत तो जितने आदमी अंदर बैठे सब ने नाक पे कपड़ा ले लिया, इतनी महक चल रही थी उससे। नब्ज देख के फिर मैंने उसको कहा कि ये दवाई खाने की दो और अब इसकी जो पट्टी कर रखी उसको खोल दो, मैं पट्टी स्वयं करूँगा। फिर मैंने एक तेल बना रखा, एक पाउडर है, पहले तेल लगाया अच्छी तरह से, 15 मिनट तक तेल लगाते रहे, उससे जो उसको भयंकर दर्द हो रहा था उसमें शांति मिली। फिर उसके बाद उसको पाउडर लगा दिया, पाउडर लगा के ऊपर रुई रख के सेलो टेप से पट्टी बांध दी। पट्टी बांधने के 1 घंटे बाद वो कहती है अब मुझे कोई तकलीफ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो गुरुजी ये ट्यूमर से ये स्मेल और ये बदबू क्यों आ रही थी? जब पस सड़ जाती है अंदर, पूरी निकलती नहीं है, तो इससे बहुत भयंकर दर्द होती है और इस दर्द में हवा में जो कीटाणु उड़ रहे हैं वो जैसे मरे हुए पशु के ऊपर गिद्ध पड़ती आके ऐसे ही कीटाणु उसमें प्रवेश हो जाते हैं। उसको रोकने के लिए सेलो टेप है जो कि उसको रोक लेती है, उससे अंदर नहीं जा सकता कीटाणु। और कपड़े की जो पट्टी हम करते हैं, रुई भी रखें, जो मर्जी करे कीटाणु अंदर चला जाता है। तो इस तेल में पाउडर में ये ताकत है कि जैसे अग्नि में पतंगा जलता है ऐसे इस तेल को लगाने से वो कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। और पाउडर रखने से जैसे किसी चीज़ को जला देते हैं ऐसे वहाँ का जितना भी कचरा उसको जला देता है ये, और जितना गड़ा हुई चमड़ी है उसको बाहर निकाल के अंदर से नई चमड़ी लाना शुरू कर देता है। तो इसका ये जख्म 3 इंच गहरा था, नीचे हड्डी भी गल चुकी थी, परंतु 2 महीने में बिल्कुल ठीक हो गया। अब टीवी के माध्यम से उसका कई बार इंटरव्यू कराते हैं, आज जब भी कभी उसका फ़ोन आता है तो ये कहती है कि स्वामी जी मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, और जब भी मेरी निगरानी में कोई ऐसा आदमी आता है अगर तो मैं आपका एड्रेस दे रहा हूँ, कोई गलत तो नहीं कर रहा। मैं भाई नहीं, किसी को जीवन दान देना, किसी के कष्टों का निवारण करना, वो एक किस्म का महापुण्य है। अच्छा काम करने वाले को हमेशा बुराई मिलेगी, और गंदा काम करने वाले से डरेंगे कि यदि हमने इसके खिलाफ बोल दिया तो पता नहीं हमारा क्या कर देगा। परंतु टीवी के माध्यम से जहाँ तक प्रसारण गया वहाँ तक के हर प्राणी ने इससे लाभ उठाया, क्योंकि एलोपैथिक में किसी रोग के बारे में नहीं बताया जाता। और जितने भी आजकल डॉक्टर, हकीम या वैद्य टीवी के माध्यम से आ रहे हैं, जैसे स्वस्थ विचार बताता है ऐसे कोई नहीं बता रहा है, और जैसे स्वस्थ विचार की दवाइयाँ ऐसी दवाइयाँ भी किसी की नहीं है। स्वस्थ विचार की दवाइयाँ जड़ी बूटियाँ, पेड़ पौधे और खान पान योग, इसके ऊपर है, बाकियों का बिजनेस है। तो यहाँ पे ना तो टेली शॉपिंग की जाती है ना बिजनेस किया जाता है। दवाई भी केवल उसी रोगी को दी जाती है जिसका नाड़ी परीक्षण करते हैं, और जो खा पी के आते हैं नाड़ी परीक्षण खाया पिया मिलता है उसको दवाई नहीं देते। और टीवी के माध्यम से मैंने बता रखा है कि औरतें कमीज सलवार पहन के आएंगी और मर्द भी सूती कपड़ा पहनेगा, टेरिका और टेरालीन नहीं चलता, तो उनको दवाई दी जाती है, और जो इस नियम को नहीं मानते उनको दवाई नहीं दी जाती। गुरुजी जानेंगे इसके बारे में, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए हमारे विशेष कार्यक्रम स्वस्थ विचार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम स्वस्थ विचार। गुरुजी अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिन व्यक्ति का ट्यूमर का जब इलाज चलता है आयुर्वेद में, तो ये जाना बहुत जरूरी हो जाता है कि हमें परहेज क्या क्या करना है, तो परहेज के बारे में बताएं। परहेज का, चाहे किसी भी किस्म का रोगी है, परहेज सबके एक समान है। चीनी नहीं, बिल्कुल नहीं, चाय नहीं, कॉफी नहीं, आर्टिफिशियल खाना कोई नहीं, जैसे ब्रेड है, बिस्कुट है, पेप्सी है, लिमका है, ये सारा बंद होता है। इसमें साधारण खाना दिया जाता है,
टमाटर का सूप ज़्यादा पिलाया जाता है, सब्जियों का सूप ज़्यादा पिलाया जाता है, और दालें ज़्यादातर मूंग की, मोठ की, मलका की, मसूर की, छिलके वाले। नाजों में चना, जौ, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, सिंगाड़े और चुलाई, इनका आटा या दलिया बना के ज़्यादा दिया जाता है। गेहूँ इसमें कम दी जाती है, क्योंकि गेहूँ के अंदर एक कमी है कि कब्ज पैदा करने करती है और पचने में भी थोड़ी भारी है। हम उन नाजों का प्रयोग करते हैं जो पचने में हल्के हैं, मक्का, बाजरा, चने, जौ, मूंग, मोठ, सोयाबीन, सिंगाड़े और चुलाई, ये पचने में बहुत हल्के हैं। और जब हम इनका प्रयोग कराते हैं, पेट अच्छा साफ होता है, पाचन शक्ति ठीक काम करती है, ऑक्सीजन पूरी मिल रही है, तो हमें कोई रोग नहीं है। परंतु इसके साथ साथ हमें योग करना जरूरी है, प्राणायाम करना जरूरी है। प्राणायाम में कपालभाती आधा घंटा, भस्त्रिका का 15 मिनट, अनुलोम विलोम 1 घंटा, ये तो अति आवश्यक है। अग्निसार 5 से 7 बार कर लो, उजई 15-20 बार कर लो, भ्रमणी 35-40 बार कर लो, तो आपका रोग दिन दुगने रातें चौगुनी घटता है। अब इसके बाद सब आसन लेट करके सबसे पहले पवन मुक्त आसन करें, फिर मरघट आसन करें, उसके बाद सर्वांग आसन करें, फिर हल आसन करें, अब उसके बाद मंडुकासन, गौमुखासन, इनको करके आपके पास टाइम है तो और जो करना चाहे सूर्य प्रणाम करें, चाहे और कोई करें, कर सकते हैं। तो आपका रोग दिन दुगने रातें चौगुनी घटता है। एक बात और मैं आपसे कहूँ कि योगी की आयु आप कभी कल्पित नहीं कर सकते कितने साल का है, क्योंकि योगी के शरीर में कभी झुरी नहीं आती, योगी के शरीर में कभी आलस नहीं होता, और योगी को कभी किसी चीज़ के खाने पे विवश नहीं कर सकते, न करता, वह अपनी इच्छा के अनुसार लेगा जब भी लेगा, परंतु उसमें खान पान पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। दिन का खाना 10 से 12 के अंदर, रात्रि का खाना 6 से 8 के अंदर, खाना ताज़ा गर्म गर्म खाना, खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस या काला नमक काली मिर्च नींबू का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। खाना हमेशा जमीन पर बैठ के खाना, खाना खाने में पानी पीने में 1 घंटा लगाना, अब आपका रोग दिन दुगने रातें चौगुनी घटेगा। मैं अशोक कुमार शर्मा भोपाल नारियल खेड़ा से आया हूँ, और मेरी पत्नी को बहुत पुरानी गठान थी जो बाद में पक गई, डॉक्टरों को बताया, उन्होंने ऑपरेशन का बताया, वो उसमें से पस आने लगा था। फिर हमें पिताजी ने बोला क्या कि आप दिल्ली बाबा बालकनाथ जी के यहाँ आश्रम पे ले जाओ, तो हम यहाँ पे लाए, 15 दिन की दवाई से काफ़ी कुछ आराम मिला। अभी नबजी बाबा ने बताया कि 80% फ़ायदा है, उसमें से पस वगैरह भी बहुत आता था, जो पस भी बंद हो गया, और सिर में दर्द होता था, गले की नसों में भी दर्द होता था, जो काफ़ी कुछ फ़ायदा मिला उनको, हमारी पत्नी को। तो इनको जो घोड़ा हो गया था और हाँ, वो पस निकलने के बाद आप डॉक्टर के पास गए थे, हाँ, तो डॉक्टर ने क्या बताया था, क्या तकलीफ है? उन्होंने ट्यूमर बताया था, ट्यूमर है ये, वो इसका ऑपरेशन होगा, इसमें 50-60 हज़ार का खर्चा बताया डॉक्टर ने। फिर आपने यहाँ फिर हमने वो ऑपरेशन नहीं करवाते हुए हम यहाँ आश्रम पे ले आए बाबा के पास। और यहाँ पे अभी तक कितने दिन की दवाई दी है? 15 दिन? यहाँ 15 दिन की पहले ले ली थी। आपने 15 दिन दवाई खाई है? हाँ, 15 दिन की खा ली है। खाई है 15 दिन अभी, और 15 दिन अभी लेने के लिए आए हैं। तो वो 15 दिन की दवाई खाने से क्या उसमें जो पस वगैरह आता था वो सब बंद हो गया? वो पस तो दूसरे दिन ही बंद हो गया, पस अब नहीं आता है। हाँ, पस नहीं आता। और आप कहते हैं कि घाव में जख्म ज्यादा था तो वो भरा है क्या? हाँ, घाव में कम 1.5-2 इंच का जख्म था, वो भरा है? वो भरा गया, खाली थोड़ा सा खाली है वो, थोड़ा सा रह गया। हाँ, थोड़ा सा रह गया, काफी भर गया। हाँ, 75% भरा गया है। और ये पस जो था वो गीली गीली सी जो घाव थी वो क्या उसमें सूखापन आया? हाँ, उसमें सूखापन आया, उसकी जो किनोर गीली थी वो भी थोड़ी सूखापन आया, पहले उसमें पस के साथ ब्लड के वो भी आता था। और उस घाव
घाव से क्या दर्द वगैरह सब में भी होता था? घाव में दर्द होता था? हाँ, पूरे सिर में दर्द होता था, हर नसों में, गले की नसों में भी दर्द होता था, पूरे शरीर में भी दर्द होता था और सारे नसों में दर्द होता था। वो दर्द अब होता है? नहीं, अब नहीं होता। अब वो दर्द नहीं होता? दर्द बिल्कुल नहीं होता कि कहीं सर वगैरह नहीं होता? तो जख्म की थोड़ी सफाई वगैरह करते जब दर्द होता है, बाकी ऐसा कोई दर्द नहीं होता। पहले उसको बहुत दर्द था? हाँ, पहले बहुत दर्द था। दर्द की पहले उस घाव से बहुत दर्द था, पूरे बॉडी में दर्द था, पूरे शरीर में। अब कोई दर्द ऐसे नहीं है, जब आप घाव को साफ करके पट्टी करते हैं तब थोड़ा दर्द। उम्र की बीमारी से बचने के लिए हम ऐसा प्रिकॉशन क्या करें, बचाव क्या लें जिससे हमें ये बीमारी ना हो? यदि बेटा आप कपाल भाटी बसरी का अलोन बलोन नियम रूप से कर रहे हैं, अग्निसार, ब्रह्मणी, कुंभक, उजय कर रहे हैं, तो आपको ना ट्यूमर होगा, ना कैंसर होगा, ना एड्स होगी, ना किडनी बोलेगी, ना हार्ट बोलेगा, कोई रोग होना ही नहीं। ये तो सब चीज़ों का बीज नाश है, कोई बीमारी इसके आगे है ही नहीं। गुरु जी, जैसा कि एलोपैथिक में जब इसका इलाज होता है तो ट्यूमर को निकाल देते हैं, तो क्या आयुर्वेद में भी ऐसा ही इलाज है कि ट्यूमर को जड़ से खत्म करने के लिए उसे निकाल दिया जाता है? बेटा, यहाँ प्रेशर नहीं किया जाता किसी भी चीज का जी। उस जख्म को नीचे से नई चमड़ी से भर दिया जाता है और गंदी चमड़ी और जड़ी हुई चमड़ी गड़ी हुई है उसको निकाल दिया जाता है। परंतु हम कपाल भाटी बसरी का लोन बलोन से उसको समाप्त करते हैं, ये अग्नि है। यदि आप नियम रूप से कपाल भाटी ठीक कर रहे हैं तो आप ऐसे अपने हाथ पे कढ़ाई रखा के उसमें तेल डालो, पकौड़े तलो और खिलाओ। हमारा टेम्परेचर जो 98.4 है वो 110 डिग्री पे जाता है कपाल भाटी करने से। अग्नि किसी चीज़ को नहीं बख्शती, अग्नि सब चीज़ें भस्म कर देती है। आज जैसे शुगर का मरीज है, अब वो इंसुलिन ले रहा है, यदि हम आधा घंटा कपाल भाटी, 15 मिनट भस्त्रिका का, एक घंटा लोन ब्लोन कराते हैं, उसके बाद 5-7 बार मनुकासन कराते हैं, गौमुखासन कराते हैं, तो जिस दिन वो इतनी क्रिया कर लेगा तो जो 100 मिलीग्राम रोज की इंसुलिन लेता था उसी दिन बंद होगी। योग में और प्रणाम में ये शक्ति है कि इसमें हमें किसी दवाई की जरूरत नहीं है, परंतु जब रोग बड़ा हुआ होता है तो दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। छोटे मोटे रोग के लिए तो कपाल भाटी लोन ब्लोन भस्त्रिका काफ़ी है। गुरु जी, ऐसा तो नहीं कि ये बीमारी फिर से आ जाए इलाज के बाद भी? देखो बेटा, जब हम परहेज करेंगे, योग करेंगे, तो बीमारी कभी नहीं आएगी। आपने ऐसे तो हकीमों को देखा, वैद्यों को देखा है, परंतु योगी को आप देखें कि 12 महीने एक जैसा लगेगा। श्री महाशिव शक्ति पीठ, बाबा बालकनाथ, गायत्री ट्रस्ट, तिलंगपुर कोटला फेज 2, नांगलोई, नजफगढ़ रोड, दिल्ली 43। फोन नंबर्स 09355002501, 09355002440, 09350434184, 09350915349 और 09711899375।